नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को हाई कोर्ट से राहत, प्राथमिकी रद्द। अनामिका की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस के द्विवेदी की अदालत ने सोमवार को ये निर्देश दिया। देवघर जिला प्रशासन ने एलोकेसी धाम की जमीन की खरीद को कपटपूर्ण मानते हुए देवघर के टाउन थाने में गुड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को झारखंड हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने अनामिका गौतम के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया है। अनामिका की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस के द्विवेदी की अदालत ने सोमवार को यह निर्देश दिया कि इसके पूर्व अदालत ने उनके खिलाफ चल रही जांच प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। आपको इस बात की जानकारी जीएन भारत देना चाहेगा कि देवघर जिला प्रशासन ने एलोकेसी धाम की जमीन की खरीद को कपटपूर्ण मानते हुए देवघर के टाउन थाने में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। प्राथमिकी के लिए दिए गए आवेदन में क्रेता, विक्रेता और पहचानकर्ता के अलावा गवाहों के ऊपर भी कार्रवाई की मांग की गई है। टाउन थाना देवघर ने आईपीसी की धारा 420, 406, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले की जांच का जिम्मा सब इंस्पेक्टर जीशान अख्तर को दिया गया था। वहीं देवघर डीसी के आदेश के बाद इस जमीन का निबंधन भी रद्द कर दिया गया था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।